आगामी बजट को लेकर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हर राज्य के वित्त मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया जाता है कि वो आकर सुझाव दें कि उनके राज्य में विशेषकर इंडस्ट्री सेक्टर में क्या किया जा सकता है। इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने अनूठी पहल शुरू की है, जिसके तहत लेबर यूनियनों सहित आम जनता से भी सुझाव और फीडबैक ली जाती है। आगामी बजट को लेकर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हर राज्य के वित्त मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया जाता है कि वो आकर सुझाव दें कि उनके राज्य में विशेषकर इंडस्ट्री सेक्टर में क्या किया जा सकता है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनूठी पहल शुरू की है, जिसके तहत लेबर यूनियनों सहित आम जनता से भी सुझाव फीडबैक ली जाती है। यही नहीं, जो सुझाव सही होते हैं उन्हें वित्त मंत्रालय में भी शामिल किया जाता है। धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल करते हुए उन्हें सुझाव भेजने की बात कही है, जिसके लेकर लोगों में सुझाव प्रेरित करने बारे उत्साह है। मिलने वाले सुझावों जो कि सही हों उन्हें वित्त मंत्रालय में शामिल किया जाता है। सुझावों व फीडबैक के आधार पर हम लोगों का बजट बनाकर पेश करते हैं। हर राज्य के वित्त मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को उस निवेदन होता है कि वो आकर अपने राज्य को लेकर सुझाव दें कि अगले बजट में उनके राज्य के लिए क्या विशेष रूप से किया जाए। और जब इंडस्ट्री के अलग अलग वर्गों से, लेबर यूनियन से और अलग अलग लोगों से फीडबैक ली जाती है, अब तो मोदी जी ने देश भर के लोगों को कहा कि अपने सुझाव आप मोदी जी को भेजें और उनको शामिल किया जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा जो भी उचित पाए जाएंगे। ये अपने आप में अनूठी प्रथा किसी ने शुरू की तो नरेंद्र मोदी जी ने की थी। और लोगों का बजट हम इसको बनाकर पेश करते हैं, इस बार भी लोगों का बजट होगा।